अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कहता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। क्या कह रहे हो यार, आज जो है ना हमारे पास बहुत बुरी खबर है। ये हमारे चलती है ना बड़े उन्होंने छोटे चीज़ों में मना कर दिया है, और जो चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है। ठीक है, उनको हमने मोटर में रख दिया हुआ है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये जो ये वाला बड़े वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये पहले भी बहुत ज़्यादा हमले करते, लेकिन जो छोटे चीज़ें थे ना उनको बहुत ज़्यादा मारा है। मैं वो आपको दिखाता हूँ। आज ये वाला छूटा छूटा ना, ये भी पाया जा रहा है। और बच्चा जैसा बाहर के करके उधर चला गया, उनका पान भी खत्म हो गया। दवाई भी इसके अंदर है, इसके अंदर दाना डालते हैं 10%। बच्चे को देख सकते हैं, इसके भी वही कंडीशन है, बल्कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा खराब हो गई ये पौधे। पता नहीं अभी ठीक होता है कि नहीं। उनका पानी खत्म ना हो वो डाल देते हैं। पानी भी कम हुआ, वो भी चेंज कर देते। और इनका पानी चेंज कर दिया। दाना भी इधर भी मौजूद है, उधर भी मौजूद है, और उस वाले ये वाले भी अंदर दाना पड़ा हुआ है। ये देखिए, सिर्फ जो है ना 6 बच्चे बचे हैं। 2 छोटे वाले थे ना काले वाले, वो इन्होंने बड़े टर्कीज ने इन टर्कीज ने उन पे हमला किया सुबह, और वो दोनों जो है ना तकरीबन मरने वाले हो गए हैं। फिर जो रोडर पर रखा हुआ, देखो क्या बना, इनको हम दाना डाल देते हैं। यार इनको पानी में डाल दिया थोड़ी देर पहले, बाजरा डाल दिया मैंने, माशाल्लाह खा लिया। कुछ देर पहले इनको मैंने आटा डाला था इस साइड में, तो वो आटा भी मैंने खा लिया हुआ। तो आज मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, तो इसके मेरे ख्याल में टोटल 9 अंडे हो गए। यहाँ तक फिर भी पता चेक करते थे, थोड़ी देर पहले तक इसने अंडा नहीं दिया था। नहीं, ये आज नहीं अंडा दिया मैंने। यार इसके अंदर मैंने वो बच्चे रहती हुए, उनकी हालत बहुत जो है ना डाउन हुई है। ये देखो, वो देखें तो मर गया हुआ, तकरीबन आपके चांस ले गया। वो देखिए, ओह ये देखिए, इस पर हमला किया था, ये देखें बेचारा मर गया। अभी हाथों में ही मरा, अभी आखिरी चांस नहीं है इसने। इसकी भी आंखें क्लोज हो रही हैं। उनको दाना पानी वगैरह खिलाना पड़ेगा, देखते हैं क्या मैं खिला सकता हूँ। ये बेचारा तो मर गया, सुबह ही निकाल लेते हैं। यार शाम को हो गया टाइम,
चीज़ें इनको हम पानी डाल देते हैं और इनका दाना भी खत्म हो रहा है, वो भी डाल देते हैं। इनको भी खो देते हैं, शाम का टाइम भी थोड़ा पीते हैं बने। ये अभी भी वैसा का वैसा ही है, छपाऊ ठीक होने जा रहा। इधर इनके पास पानी भी है यार, तू बस कर। तो यार ये मुर्गी मेरे ख्याल में आजकल जो है ना कुड़क हो गई है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैंने चेक किया था सुबह इसने अंडा तो नहीं दिया था, लेकिन दोपहर को अंडा दिया था। अभी क्या कर रहे, ये देखें यार इसने अंडा दिया हुआ माशाल्लाह से, ये मेरे ख्याल में 10वां अंडा है इसका, और मुझे लग रहा है इसे कुड़क हो गई है, ये बैठी हुई है बहुत सुबह की जो है ना, दोपहर की बल्कि दोपहर की बैठी हुई है, दोपहर जब इसने अंडा दिया था तो उसके बाद मुझे नज़र नहीं आई ठीक है, जो मुर्गा तो वो यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी हम जो है ना ये अंडों की कलेक्शन चेक कर लेते हैं हमारे पास कितने हो गए। वैसे हमारे पास 3 अंडे और आए हैं बाहर से, 2 बफ के हैं और 1 बैंटम का है, वो भी काउंट कर लेते हैं, उन पर मार्किंग कर लेते हैं की तरफ। चलो देख लो। अच्छा यार ये 2 हमारे पास बफ के हैं, 1 और ये 2 वाला, और ये हमारे पास है बैंटम का, बैंटम भी हमारे पास टोटल हो गए 3, इसको निशानी दे देते हैं। ये बैंटम का 3रा अंडा हो गया, और ये हमारे पास आ गया है बफ का, बफ का पहला अंडा, और ये है बफ का दूसरा अंडा, और हमारे पास ये जो मुर्गी का है ये हमारे पास 10वां अंडा है, सो वैसे हम निशाने लगा देते हैं। यार अब हमारे पास माशाल्लाह अंडे हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये है 10वां, 10 मुर्गी के अंडे हो गए, 1, 2, 3, 4 बैंटम के, और 1 और 2 ये बफ के हो गए हैं, और ये जो सिल्की के हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, मतलब माशाल्लाह हमारे पास 10 और 5 15 16 17 18 18 एक अंडे और 2 20 अंडे हो गए माशाल्लाह हमारे पास ठीक है। तो बस यार इनको जो है थोड़ा थोड़ा रोटेट कर देते हैं, क्योंकि मुझे एक भाई ने कहा था कि अंडे रोटेट करने से ना इनकी लाइफ बढ़ जाती है, मतलब फर्टिलिटी ख़राब नहीं होती, थोड़ा थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। ये तो फ्रेश ही है अभी, इसको भी रोटेट कर लेते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, ये अभी ताज़ा है ये भी, और ये भी ताज़ा है। यार ये थी हमारी वीडियो आज, जैसे ना ये 2 बुरी खबर आई है, वो ये गलती है ना तो उसी बारे ठीक है, इन्होंने 2 चूजे में हमला किया, 1 जो मर गया है, दूसरा मैंने 2 रखा हुआ है, और हमारे पास तकरीबन 20 अंडे हो गए हैं जो हम इंक्यूबेटर को इन्फॉर्म देना चाहते हैं ठीक है। तो इंशाल्लाह कल या परसों हम उनको इंक्यूबेटर में, तो यार वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें।